हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर वाली वैकेंसी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान पशु परिचर का जो सिलेबस है ना, वो विस्तार से आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अभी तक भी है ना, आपको यहाँ पे जो पशु परिचर वाली एग्जाम लगने में कम से कम 4 से 5 महीने का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो ये 4 से 5 महीने भी आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो ना, यानी कि तन मन से अगर आप पढ़ाई कर लेते हो, तो अच्छा स्कोर आप राजस्थान पशु परिचर वाली वैकेंसी में आपका कर सकते हो। सबसे पहले आपको राजस्थान इतिहास आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो, 105 नंबर का तो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पे पार्ट ए, और 45 नंबर का यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका पार्ट बी। दोनों पार्टों में क्या आने वाले हैं दोस्तों, दोनों पार्टों में कुल मिला के 40%, दोनों पार्टों में 40% मिनिमम आपको मार्क्स लाने जरूरी है। तो सर, 40% मार्क्स ले आएंगे तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। टारगेट आपको अच्छा लेके चलना है, कम से कम 70% 75% आपको टारगेट लेके चलना है, क्योंकि भीड़ पूरी आएगी। इसमें कोई सीईटी तो पहले हुई नहीं है। जो भी भीड़ आपके 15 लाख 18 लाख 20 लाख जितने भी फॉर्म आने हैं, जो 10वीं पास कर चुका स्टूडेंट्स है, वो सब इसमें फॉर्म भरेंगे। तो टारगेट आपको दोस्तों यहाँ पे 75% के आसपास का टारगेट है वो लेके चलना चाहिए। विस्तार से सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं, तो राजस्थान का इतिहास ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। इसके साथ में दोस्तों, करंट अफेयर्स आप अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको रखनी है, यानी कि जो भी मंथली करंट अफेयर्स की बुक आती है, क्रोनोलॉजी की देख लो या उपकर्ष की देख लो, मंथली करंट अफेयर्स आपको रेडी रखनी है। करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही के एग्जाम्स में अगर अपन देखते हैं, तो करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। साइंस और मैथ, दोस्तों साइंस और मैथ से भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है इसमें। पार्ट ए में जो 105 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें साइंस और मैथ से भी अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। और साथियों, ये पार्ट बी है ना, ये पशुओं से संबंधित ही इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। पशुओं की कौन कौन सी नस्लें अपने लिए अनुकूल हैं, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किस प्रकार से किया जाता है, वाद्यकरण क्या है, संकर प्रजनन, पशु आहार, पशु गणना, कौन सा पशु कौन से एरिया के लिए अनुकूल है, राजस्थान में पशुओं की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, मतलब ये पशुओं से संबंधित जो भी बातें हैं ना, वो एग्जैक्टली इसमें पूछी जाएगी दोस्तों। साथियों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।